हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीनियर सिटीजन डे के बारे में जानेंगे। देखिए तो डे एक्नॉलेजेबल तो कंट्रीब्यूशन किया जाता है जो सीनियर सिटीजन द्वारा जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी इम्प्रूवमेंट के लिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जैसा पता होगा, जैसा आपको ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा नानी, इनको मनाया जाता है। देखिए 21 अगस्त को मनाया जाता है सीनियर सिटीजन डे। देखिए जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है NSO, उसका देखिए रिपोर्ट क्या है, देखिए एल्डरली इन इंडिया, तो उम्र देहात के जो मतलब पेरेंट है, जो इंडिया का जो एल्डरली पॉपुलेशन जो है एज ग्रुप, देखिए 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है, अराउंड 194 मिलियन है, जिसमें से 93 मिलियन मेल है एंड 101 मिलियन फीमेल है। इन 2031 के तक हो जाएंगे। स्टेट विद द हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन कहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा उम्र के, देखिए सबसे ज़्यादा केरला में है 16.5%, उसके बाद सेकंड में तमिलनाडु में है 13.6%, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश 13.1%, पंजाब देखिए 12.6%, आंध्र प्रदेश देखिए 12.4%। जहाँ देखिए स्टेट जहाँ पे लिस्ट है एल्डरली पॉपुलेशन, जहाँ पे बिहार में 7.7% है एंड उत्तर प्रदेश में 8.1% एंड असम में देखिए 8.2%, जहाँ पे जो 60 साल से ऊपर जो आपका एल्डरली पर्सन है तो वो कम है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम है देखिए सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे देखिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के हिसाब से जो प्रधानमंत्री भैया वंदना स्कीम है, वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी है, तो मेडिकल पॉलिसी भी क्लेम कर सकते हैं ये। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर पर्सन है जो, एंड वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ये सब गवर्नमेंट का स्कीम है, ये गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट का, सब गवर्नमेंट का। जैसा पता होना चाहिए आपको कि सोसाइटी में ये की रोल प्ले करते हैं, तो आप जो सीखते हैं सब इनसे ही तो सीखते हैं आप बचपन से भी बड़े तक।